मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। दिवांग के एक युवक विनय गिरी की गोपालगंज में चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। विनय की हत्या के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाजार में सड़क पर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। गोपालगंज मेला घूमने गए सिवान के दो युवक को चाकू से हमला किया गया था, जिसमें एक युवक विनय गिरी की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बढ़हरिया थाना पहुंचकर बीच सड़क पर आगजनी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। गौरतलब है कि बढ़हरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर के रहने वाले दो युवक विनय गिरी और सलमान मेला घूमने के लिए मामाझा थाना क्षेत्र के धर्म परसा गए थे। वहीं इन दोनों युवक को चाकू मार दी गई, जिसमें विनय गिरी की मौत हो गई है। वहीं सलमान का इलाज गोरखपुर में जारी है। विनय गिरी की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल करके सड़क पर आगजनी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान के एक युवक विनय गिरी की गोपालगंज में चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। विनय की हत्या के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के बाजार में सड़क पर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। गोपालगंज मेला घूमने गए सिवान के दो युवक को चाकू से हमला किया गया था, जिसमें एक युवक विनय गिरी की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बढ़हरिया थाना पहुंचकर बीच सड़क पर आगजनी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। गौरतलब है कि बढ़हरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर के रहने वाले दो युवक विनय गिरी और सलमान मेला घूमने के लिए मामाझा थाना क्षेत्र के धर्म परसा गए थे। वहीं इन दोनों युवक को चाकू मार दी गई, जिसमें विनय गिरी की मौत हो गई है। वहीं सलमान का इलाज गोरखपुर में जारी है। विनय गिरी की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल करके सड़क पर आगजनी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 11 बजे नहीं, इधर वहाँ पे 10 था, 10 पहचानते हैं, दो को पहचानते हैं, प्रकाश और सूरज। यानी आप उनके बड़े भाई हैं ना? हाँ। पहले से कोई आपसी विवाद होगा? पहले से तो आपसी तो विवाद तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अरे हम लोग जा रहे थे घर आना के, ये हुआ है। हम लोग जा रहे थे घर से, जो लाइनअप दिया है हमारे गांव का है वो हम लोग को देखा, ठीक है ना। ये घटना गोपालगंज जिला पड़ता है, जिला सिवान पड़ता है, हम लोग सिवान पड़ता है। हम बता रहे हैं जो मेन आरोपी है वो गोपालगंज जिला का है, और जो लाइनर वाला है ना वो मेरे गांव का है, मेरे चेवड़ा का है, बड़ा सरकार। हाँ ये बात है, इसलिए बड़ा छोड़ रहे हैं, जान छोड़ रहे हैं कि बात ये हुआ कि उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तब जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक उसका भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। ये माझा थाना है। हाँ, ये माझा थाना ही अपने आप को लिए ऐसा हम काम करेंगे, इसलिए हम लोग माझा थाना में। माझा थाना में जो ये स्पाई था, जो हमारे गांव का SDM साहब सिवान से करवाए बढ़िया थाना के, तो उसको अरेस्ट किया जाए। और जो घटना जो हुआ वो माझा क्षेत्र में आता है, तो माझा क्षेत्र को बोले कि आप लोग उससे देखिए, उसको आवाज दीजिए। हम दो उसके बड़े भाई हैं। बड़े भाई बिहार पुलिस का कल एग्जाम दे के आया था, और उसका सपना था कि बिहार पुलिस में जाए, देश का सेवा करे, लेकिन लोग नहीं चाहे, नहीं करा, खल रहा है, क्या करिएगा। भाई था, छोटा भाई था अपना। और हमारे गांव के कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व तो लोग हैं जो पीड़ित के घर नहीं आकर थाने में मुजरिम को फेवर में आके सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। ये किसी एक संप्रदाय को देखते हुए और आकर फेवर कर रहे हैं, उनको पीड़ित के घर जाना चाहिए ना, तो सबके लिए है ना, सबको चुन चुन के बैठाया है, किसी एक संप्रदाय की वजह से नहीं ना जीते हैं, ऐसा कब तक होगा, नहीं होना चाहिए। छूट गया था जेल में आके, वो दोबारा आया है, बड़ा भाई नाकामी थी, क्यों छोड़ दिया बड़ा बाबू?
मर्डर केस में पैसा ही दिहाई दे दीजिएगा, किसी को थाने से छोड़ दीजिएगा। हम लोग तो लगा रहे नारा भारिया थाने आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग नारा लगा रहे हैं। जब तक उसका छोटा भाई नहीं पकड़ा जाता है तब तक वो नहीं छूटेगा। जितने आरोपी प्रकाश कुमार गिरी, क्या मामला हुआ है? काफी जैसे परसा के मामला है, आप लोग बहड़िया में जाम किए, क्या मामला है? मामला ये है, जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी तीन है, जिसमें से दो जने के घर से पकड़ाया गया है लो फैमिली, और जो हमारे गांव का था, जो लाइनर में था, वो अभी तक फरार चल रहा है, वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, और बाकी उसके भाई की गिरफ्तारी हुई है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हम लोग इन्हें लाए चाहिए। इसमें शामिल तीन लोग हैं। तीन लोग हैं, अच्छा कितने बजे का मामला है ये? ये 11:30 करीब, 11-12 बजे करीब है, रात में। रात में कहाँ पे घटना हुआ है? धर्मपार से, मान लीजिए धर्मपार से विश्रामतापुर, धर्मपार से विश्रामपुर घटना हुआ है। अच्छा, अभी लड़का कहाँ गया था रात में? जुलूस देखने जा रहा था, धर्म पारसा उसका फुआ के घर है, हाँ वहीं पे जा रहा था फुआ के घर, उसके फुआ के घर, या आज मेला है वहाँ पे धर्म पारसा, मेला देखने, जुलूस देखने जा रहा था, तब तक बीच रास्ते में घटना हुई है। कौन लोग आपको कोई आसार है इसमें, जो लोग कौन है जो आते थे? जो वहाँ पे जो उसका फ्रेंड था वो पहचान रहा कि जो आरोपी है कौन कौन है। अच्छा, जो कई लोग साथ में थे? साथ में तीन लोग थे। कौन थे? ये लड़का था, एक ये लड़का था, आप साथ में थे जी? 11 बजे रात कहाँ जा रहे थे आप? धर्म पढ़ा जा रहे थे, जुलूस देखने जा रहे थे। जुलूस देखने जा रहे थे आप? हाँ। तो कैसे क्या हो गया रास्ता में? धर्म पढ़ सा विशाखापुर पार किए, तले देख लिया, दुकान पे रुकाया, बाइक छीन लिया, बाइक छीना कर तले बेल्ट निकाल के मारने लगा, हमको भी सबको मारने लगा। आप पहचान रहे दोनों? हाँ, पहचान रहे हैं। कितना पहले का मामला था ये? पहले का? अब पहले का शायद पता नहीं, पर लुका कर हम लोग को मारने लगा। कितना लोगों को गोली लगा? अरे सर, चाकू लगा, दो आदमी के चाकू मारा, एक सूरज मारा है चाकू और एक प्रकाश मारा है चाकू। और आप कहाँ थे उस समय? वहीं पे थे। आप भाग गए होंगे? भागे नहीं, हमको भी मार रहा था वहीं पे। पहले हमारा जान बचा के अपना वहाँ से भागे गए। आप जान बचा कर भागे वहाँ से? आप लोगों ने आज इनके सर आप लोगों ने जाम किया था थाना पे, क्या किसके लिए जाम किया था? क्या सर जाम किया था? इसलिए कहना है कि आरोपी को भाई को पकड़ा गया था, ठीक है, उसके बाद हमारे कहने का मतलब है, जो आरोपी है, जो लाइनअप दिया है, उसके भाई को पकड़ा गया है, खैर उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक कहना है उसका जो भाई है मेन और आरोपी है उसको लाया जाए, उसके बाद उसके भाई को छोड़ा जाए, ठीक है, हम लोग अपने कहना में दूसरे काम में लगे हुए हैं, उसके बाद से कहना में लुगा करके इनको छोड़ा कर लेके चले गए। क्या बात? ठीक है, थाना प्रभारी से बात हुआ कि ये आरोपी नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, अर्जुन गिरी हमारा।